हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे iOS 17 के पब्लिक बीटा अपडेट को हम अपने किसी भी डिवाइस में कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। किसी भी डेवलपर अकाउंट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस प्रोसेस में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली अपने किसी भी डिवाइस में। बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप सभी भी बिना किसी प्रॉब्लम के iOS 17 के पब्लिक बीटा अपडेट को इंस्टॉल कर सको। और इन द केस आपके आईफोन में ये पब्लिक बीटा अपडेट अगर शो नहीं हो रहा है तो कैसे शो कर सकते हो, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन को अपने ऐप स्टोर में से इंस्टॉल करना है। सर्च बार के ऊपर टैप करना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है Apple Developer। सबसे पहले आपको इसको सर्च करना है, ये है एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में आपने इजीली इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका साइज 16 MB के आसपास है। बस आपको सबसे पहले इस ऐप को ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है इसका सिंपल सा इंटरफेस। अब आपको यहाँ पर अकाउंट के ऊपर टैप करना है। अकाउंट के ऊपर टैप करने पर आपको यहाँ पर साइनअप के ऊपर टैप करना है। अपनी एप्पल आईडी को यहाँ पर आपने साइनअप करना है या फ़ोन नंबर कुछ भी एंटर कर सकते हो जो आप करंटली यूज़ कर रहे हो अपने आईफोन के ऊपर। उसके बाद अगर इन द केस की आपकी जो एप्पल आईडी है यहाँ पर आपको एरर शो करती है तो यहाँ पर आपको फिर दूसरा प्रोसेस शो करना है, मतलब कि यूज़ करना है। यहाँ पर आपको सफारी को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है developer.apple.com। यहाँ पर आपको गो बटन के ऊपर टैप कर देना है। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है एप्पल की, ऑफिशियल डेवलपर एप्लीकेशन की वेबसाइट, यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको iOS 17 का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको टू लाइंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। टू लाइंस के ऊपर टैप करने पर आपको यहाँ पर अकाउंट के ऊपर टैप करना है। जैसे यहाँ पर अकाउंट के ऊपर टैप करोगे आपको यहाँ पर एप्पल आईडी शो करेगा एंटर करने के लिए। साइन अप करनी है अपनी एप्पल आईडी डेवलपर की एप्लीकेशन में वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद जब आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, जब आप यहाँ पर साइन अप कर लेते हो कम्प्लीटली अपनी Apple ID को, उसके बाद सबसे पहले तो अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रीस्टार्ट नहीं करोगे तो आपके केस में पब्लिक बीटा अपडेट का ऑप्शन शो नहीं करेगा। उसके बाद आपको जनरल के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स में टैप करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में टैप करोगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑटोमेटेड अपडेट्स में ऊपर टैप करना है। यहाँ पर तीनों ऑप्शंस को आपने यहाँ से इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बीटा अपडेट्स के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर इजीली आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि अब यहाँ पर iOS 17 का पब्लिक बीटा अपडेट का भी ऑप्शन शो होना शुरू हो चुका है। बस आपको पब्लिक बीटा अपडेट के ऊपर टैप करना है और आपके डिवाइस में iOS 17 का जो अपडेट है पब्लिक बीटा, वो आपको कुछ इस तरह का शो होना शुरू हो जाएगा। आप इसलिए इसे डाउनलोड के ऊपर टैप करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने किसी भी आईफोन पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।